वेलकम फ्रेंड्स टू आराध्या आरएएस एकेडमी। फ्रेंड्स, मॉडल पेपर सेकंड राजस्थान पुलिस एसआई और सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर का जो 30 क्वेश्चन है वो पहले भी एक जो ये सेकंड नंबर है टेस्ट है, तो पहले नंबर में जो उसके अंदर भी 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब देने हैं। देखो, ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि एक के अंदर अगर चार क्वेश्चन है तो 30 के मतलब कितने हो गए, 120 तो नहीं है, फिर भी लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है, ठीक है। अब देखो, एक तरफ तो है नदी और एक तरफ है उद्गम स्थल, तो अपन को ये बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ का है। तो देखो, अपने मन में सोच लेना, पार्वती का कहाँ है, कातली कहाँ है, काली सिंध कहाँ से और माही नदी कहाँ से निकलती है, ये बताना है अपन को। तो सोच लिया होगा इतनी देर में, तो जैसे सबको पता है कातली नदी है वो सीकर के खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, और जैसे माही नदी है तो एमपी के महू क्षेत्र से निकलती है। कहाँ? माही नदी। कौन सी? माही नदी। उसके बाद में दो बच गए, जैसे पार्वती और काली सिंध, तो ये बताना है। देखो, पार्वती है वो एमपी के सीहोर क्षेत्र से निकलती है, एमपी के सीहोर क्षेत्र से, और काली सिंध है जो कहाँ से? मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। यह हो गया अपना पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस बार नदी की जगह झील है, और ये बताना है कि कौन से जिले के अंदर स्थित है। पहले के अंदर सूची फर्स्ट के अंदर क्या है? झील, और दूसरे के अंदर जिले हैं, तो ये बताना है कि कौन सी झील है वो कौन से जिले में है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं बांकली बांध। बांकली बांध कहाँ है? जालौर के अंदर। बांकली बांध कहाँ है? जालौर के अंदर। नागतलाई कहाँ है? करौली में। नागतलाई करौली में। अब आगे देखो, विजय सागर। विजय सागर कहाँ है? अलवर के अंदर। विजय सिंह नाम का एक राजा हुआ था अलवर के अंदर, तो विजय सिंह अलवर के अंदर। और फिर बच गया एक छापरवाड़ी। छापरवाड़ी कहाँ है? जयपुर के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 सोच लिया होगा आपने इतनी देर में। तो नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत व पाक सीमा के जिलों में परंपरागत जल प्रबंधन के स्रोत क्या है? जो भारत और पाकिस्तान से जो सीमा से जो लगे जिले हैं उनका परंपरागत जल स्रोत क्या है? तो क्या है? खड़ीन। इन जो खड़ीन है इनका निर्माण किसने करवाया था? तो पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के अंदर खड़ीनों का निर्माण करवाया था, याद रखना। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सूची सेकंड सेम टू सेम है। इस बार आखेट निषेध क्षेत्र हैं और दूसरे हैं जिला, तो ये बताना है कि कौन से जिले के अंदर कौन सा आखेट निषेध क्षेत्र है। देखो, सोच लो फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो, संथाल है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर। सथाल कहाँ है? जयपुर के अंदर। उसके बाद में लोहावटी। लोहावटी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। और जोड़वीड कहाँ है? बीकानेर में। और जोड़िया कहाँ है? अलवर के अंदर। समझ में आ गया? सथाल है जयपुर के अंदर, लोहावटी है जोधपुर के अंदर, और जोड़वीड है बीकानेर के अंदर, और जोड़िया है अलवर के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। पांचवा प्रश्न है अपना, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है पांचवा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अपन को तीन कथन है, उनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये बताना है, सही बताना है अपन को इसके अंदर। देखो, देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 10% राज्य का अंश है। आप सोच लेना, मैं बाद में बताऊंगा। राज्य के पशुओं द्वारा बाहर वहन शक्ति 35% है। नेक्स्ट है ऊन में राजस्थान का भाग का अंश 40% है।
तो ये बताना है, देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, चौथा उत्तर हो जाएगा इसका। देखो प्रश्न है वो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इसमें से। देखो छठा फर्स्ट प्रश्न है, इस बार सूची फर्स्ट के अंदर उद्योग है और इसकी बार उत्पादन है, तो ये बताना है कौन सा उद्योग किसका उत्पादन करता है। तो देखो सबसे पहले तो जो मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर है वो किस चीज़ का निर्माण करती है, क्योंकि ये भी अभी ये जो कैप्सन मीटर कंपनी जयपुर है ये प्रश्न भी अभी पूछा गया था, आरपीएससी ने ही पूछा था किसी एग्जाम के अंदर। तो मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर, इसमें किसका निर्माण होता है ये बताना है। तो देखो इसका इसमें तो होता है लोहे के टावर एवं इमारती खिड़कियाँ, लोहे के टावर एवं इमारती खिड़कियाँ। नेक्स्ट है कैप्सन मीटर कंपनी जयपुर, तो कैप्सन मीटर कंपनी जयपुर है ये किसका निर्माण करती है, तो पानी के मीटर का, पानी के मीटर का। नेक्स्ट है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर, तो ये किसका निर्माण करती है, तो देखो ये निर्माण करती है टीवी पिक्चर ट्यूब, जो टीवी पिक्चर ट्यूब होती है उसका निर्माण करती है कौन, जो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर। नेक्स्ट है जयपुर मेटल्स, ये किसका निर्माण करती है, ये बिजली के मीटर का, बिजली के मीटर का। देखो ये हो गए चार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 3, 2, क्या हो जाएगा 4, 1, 3, 2, ये हो जाएगा इसका 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट है चार कथन दिए गए हैं, अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, बताओ है क्या अधिक ऊंचाई पर, अरे कैसे होगा, सबसे बड़ा तो हिमालय है उत्तरी क्षेत्र के अंदर, उत्तरी क्षेत्र के अंदर हिमालय है और पश्चिमी घाट के अंदर जो पहाड़ियां हैं, जो नदी है, मैदान है, समुद्र की सीमा लग जाती है, तो सबसे ऊंचा क्षेत्र तो हो गया जो हिमालय वाला, तो उत्तरी क्षेत्र अधिक ऊंचा है, पश्चिमी घाट नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये गलत है, ठीक है तो सही नहीं है ये। नेक्स्ट है पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, नर्मदा नदी व ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न है तेजाजी का मेला भरता है, तो तेजाजी का मेला कब भरता है, तो सबको पता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, देख लेना अपने हिसाब से, मन में सोच लेना जो भी सोचना है। देखो नवा प्रश्न है अपना, राजस्थान में वन मंडल है, तो राजस्थान में कितने वन मंडल हैं भाई बताओ, 10, 12, 13, 14 कितने हैं, राजस्थान में वन मंडल है 13। नेक्स्ट है ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में निम्न में से अरावली की चोटियों को सही क्रम में जमाइए, तो ऊपर से लेके नीचे तक सही क्रम बताना है कि कौन सी चोटी है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद में कौन सी है, उसके बाद में कौन सी है। तो देखो उसके बाद देखो एक तो याद रखो गुरु शिखर और शेर, ये तो हो गई नंबर 1 पे और 2 पे, उसके बाद में कन्फ्यूज होता है जरगा और दिलवाड़ा में, कन्फ्यूज होता है जरगा और दिलवाड़ा के अंदर, तो सोच लिया होगा आपने तो इसका उत्तर क्या है। तो देखो उसके बाद के अंदर देखो जरगा है, उससे पहले दिलवाड़ा आता है, दिलवाड़ा की चोटी है जो जरगा से पहले, तो इसकी ट्रिक है गुरु से दिल लगा के जरा, गुरु से दिलवाड़ा दिल लगा के जरा जैसे जरगा, तो गुरु शिखर शेर दिलवाड़ा जरगा और अचलगढ़, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार कानून धारा 6(1) में क्या बात कही गई है, सूचना का अधिकार है जो 2005 में अरुणा राय ने लागू करवाया था, तो इसमें कानून धारा 6(1) में क्या बात कही गई है ये बताना है अपन को।
तो क्या क्या कही गई है कि आवेदन शुल्क की, क्या बात कही गई है इसके अंदर, आवेदन शुल्क की। नेक्स्ट है चंद्रा जूनागढ़ की उन्नत किस्म है, जो चंद्रा और जूनागढ़ की उन्नत किस्म है वो किसकी है, तो किसकी है, मूंगफली की, किसकी है, मूंगफली की। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो देखो सबसे आ गया जयपुर, फिर आएगा भरतपुर, फिर दौसा और अलवर, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है 14 प्रश्न, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना विधेयक 2015 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो ये बताना है कि जो तीन कथन है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखो आप बता देना, नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना कौन, राजस्थान। राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद का गठन हुआ, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण, क्या इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, आपने सोच लिया होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही सही है। नेक्स्ट है 15 प्रश्न, देखो शानदार प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, एक तरफ तो दी गई है लिफ्ट नहर परियोजना और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है वो बताना है अपन को, ठीक है। तो देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के अंदर, अब देखो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना जो इसके अंदर है वो बताना है कि इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, बताओ जो किसका नाम चेंज किया है ये बताना है। तो देखो नोहर साहब लिफ्ट नहर परियोजना है उसका नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया था। नेक्स्ट है कंवरसेन लिफ्ट परियोजना, तो बीकानेर लूणकरणसेन लिफ्ट नहर हो जाएगा इसका। दूसरा है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, तो वो हो जाएगा इसका गजनेर। और चौथा है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना, तो वो हो जाएगी फलोदी नहर, ठीक है फलोदी नहर। यह ऐसे सुमेलित करना था तो अपन ने सुमेलित कर दिया, इसका उत्तर हो जाएगा देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सामने सामने है बिल्कुल। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन सा भारत का नियाग्रा कहा जाता है, मतलब भारत का ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसको नियाग्रा के नाम से जाना जाता है, कौन सा, होजेनखाल प्रपात, कौन सा है, होजेनखाल प्रपात। नेक्स्ट है 1905 में जापान ने निम्नलिखित में से किस देश को परास्त किया था, तो किस देश को परास्त किया था, रूस को। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कम क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की क्रम की पहचान भी, यानी कि ये बताना है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो देखो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, चार ऑप्शन आपके पास में, आराम से देख लो, गंगा डेल्टा, सह्याद्री, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर गुजरात। तो देखो नंबर एक पे तो आएगा सह्याद्री, समुद्र के तट के पास में, दूसरा है वो आएगा गंगा, गंगा का डेल्टा, तीसरा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 नेक्स्ट है देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, इसके अंदर 19वां प्रश्न है, ये बताना है कि कौन सा जानवर है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये बताना है अपन को। तो देखो टूंड्रा, सवाना, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और सामने है कंगारू, पेगविन, जेब्रा और रेंडियर, अब बताना है, तो करो मिलान।
तुक्के मत मारना, जो टूंड रहा है वो कहाँ है, उसके अंदर कौन सा जानवर पाया जाता है, वो रेंडियर। नेक्स्ट है सवाना, सवाना है उसके अंदर क्या पाया जाता है, जेब्रा। क्या पाया जाता है, जेब्रा। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबको पता है कंगारू पाया जाता है, और अंटार्कटिका के अंदर है पेगविन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4-3-1-2। क्या हो जाएगा, 4-3-1-2। टूंड्रा के अंदर रेंडियर, सवाना के अंदर जेब्रा, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारू, और अंटार्कटिका के अंदर है पेगविन। 20वां प्रश्न है अपना, कथन दिया गया है ठीक है, और उसका कारण ये बताना है अपन को। तो ये देखो कथन है अपना, सहारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु है, तो ये बात है बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है शीत महासागर धारा के साथ उपोष्ण में महासागर का पूर्वी क्षेत्र है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखो इसके अंदर ये बताना है कि जो दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो देखो इसमें शुष्क जलवायु है और इसके अंदर उपोष्ण में महासागर का पूर्वी क्षेत्र है, तो इसमें व्याख्या तो कर ही नहीं रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर एक की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, देखो पश्चिमी घाट है और सामने है सर्वोच्च चोटी, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये बतानी है, पूर्वी घाट की कौन सी है, नीलगिरी की कौन सी है, और अरावली की कौन सी है। चलो एक तो मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, अरावली की है, वो गुरु शिखर है। अब देख लो मिलान कर लेना अपने आप, ऑप्शन मत देखो। देखो बता देता हूँ मैं, जो पश्चिमी घाट की है सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी, कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। और पूर्वी घाट की है वो है देवमाली, क्या है, देवमाली। नेक्स्ट है नीलगिरी, नीलगिरी की दोड़ा बेटा ठीक है, पश्चिमी घाट की अन्नाईमुड़ी, पूर्वी घाट की देवमाली, नीलगिरी की दोड़ा बेटा, और अरावली की गुरु शिखर। ये हो गए अपने 21 प्रश्न, नेक्स्ट चलते हैं 22वां प्रश्न है अपना, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो अब राजस्थान से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आराम से देखना इनको। देखो 22वां प्रश्न के अंदर क्या है, जो दौसा लालसोट सवाई माधोपुर क्षेत्रों में प्रचलित ख्याल कौन सी है, दौसा लालसोट सवाई माधोपुर क्षेत्रों में प्रचलित ख्याल कौन सी है, तो ये बताना है कि डप्पाली ख्याल है, कन्हैया ख्याल है, या अली बख्शी ख्याल है, या हेला ख्याल है। तो देखो मैं तुम्हारे बता ही देता हूँ, इतनी देर में तो सोच लिया होगा, तो हेला ख्याल है वो दौसा लालसोट सवाई माधोपुर क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, और अली बख्शी ख्याल है वो अलवर के अंदर है, और जो कन्हैया ख्याल है वो करौली और भरतपुर के अंदर है, और डप्पाली ख्याल है वो अलवर भरतपुर के अंदर। तो देखो आगे ऐसा ही प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये बताना है खंड है और खंड ब, इसमें अपन को सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। एक के अंदर तो दी गई है ख्याल, और दूसरे के अंदर दी गई है कि भाई कौन सा जिले के अंदर कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है। तो देखो अभी बताया था आपको हेला ख्याल है वो कहाँ है, जो लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, एक का सी। नेक्स्ट है कन्हैया ख्याल, तो कन्हैया ख्याल है वो कहाँ की है, करौली और भरतपुर, कहाँ की है, करौली और भरतपुर। नेक्स्ट है डप्पाली ख्याल, जो डप्पाली ख्याल है वो कहाँ है, अलवर भरतपुर। डप्पाली ख्याल क्या है, अलवर और भरतपुर, याद रखना। और अली बख्शी ख्याल आपको बताया था अभी, ये अलवर के अंदर
हेला ख्याल कहाँ है, दौसा, सवाई माधोपुर, कन्हैया ख्याल कहाँ है, करौली, भरतपुर और डप्पाली ख्याल कहाँ है, अलवर, भरतपुर और अलीबक्सी अलवर के अंदर। नेक्स्ट है अपना गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, गरासिया जनजाति वाला किया जाने वाला नृत्य, तो कौन सा नृत्य है, कूद नृत्य, वालर नृत्य और जमारा नृत्य या उपयुक्त सभी, इनमें से ये बताना है। तो देखो जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं उनसे संबंधित एक बहुत अच्छा जो मतलब तीसरे नंबर के ट्रेडिंग के अंदर चल रहा है अभी फिलहाल के अंदर, राजस्थान के लोक नृत्य आप YouTube पे लिख के सर्च करना या प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख लेना, राजस्थान के लोक नृत्य जो तीसरा नंबर का वीडियो आएगा तो उसके अंदर वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है कि दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रिक, तो उसकी ट्रिक ही इस वीडियो के जो गरासिया जनजाति के नृत्य और भी नृत्य हैं उनकी सबकी ट्रिक इतनी शानदार तरीके से बता रखी है, तो उस वीडियो को देख लेना। देखो गरासिया जाति के इसकी ट्रिक थी कूद लूं के माँ वाल पर, तो इसकी देखो कूद नृत्य भी है, वालर नृत्य भी है और जमारा नृत्य भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और हाँ सेकंड ग्रेड के लिए एक स्पेशल एक फोल्डर बनाया गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहाँ पर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो उनको आराम से पढ़ लेना, रट लेना उनको, क्योंकि उनमें से ही प्रश्न आएंगे आपके सेकंड ग्रेड और राजस्थान पुलिस एसआई वाले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। नेक्स्ट है खंड ए हो ए और खंड ब सुमेलित करके उत्तर का चयन करना है, प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी वो बताना है, जैसलमेर की किसने की थी, बूंदी की किसने, भरतपुर की किसने, किशनगढ़ की किसने, तो देखो जैसलमेर की तो की थी कांतिलाल ने, सही है, नहीं, जैसलमेर की थी मीठालाल ने, बूंदी की थी कांतिलाल ने, सही है, हाँ। और नेक्स्ट है भरतपुर, भरतपुर की थी गोपीलाल यादव ने, और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल चौथाणी ने, एक तो था कांतिलाल और एक था कांतिलाल चौथाणी, चौथाणी से याद रख लेना किशनगढ़, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी डी ए बी, सी डी ए बी, तो किस में है वो सी डी ए बी, इसके अंदर तीन नंबर के अंदर, किसके अंदर, तीन नंबर के अंदर। नेक्स्ट है निम्न में से किसका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से नहीं है, तो देखो भरतपुर जो प्रजामंडल है उसमें इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है ये बताना है, तो देखो ठाकुर देशराज था, किशनलाल जोशी था, मास्टर अतिंद्रनाथ था, भीमराज पुरोहित, ये नहीं था, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भीमराज पुरोहित। नेक्स्ट है कौन सा कथन असंगत है, कौन सा कथन असंगत है, तो देखो इसके अंदर मैं बता देता हूँ, 1945 में आज़ाद मोर्चे का विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया, फिर है 1907 में चांदमल सुराणा द्वारा सर्वहितकारिणी की सभा की स्थापना की गई, नेक्स्ट है 1903 में वीर सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई, चौथा है 1934 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा खंडलाई आश्रम की स्थापना की गई, तो देखो इसमें जो असंगत है वो बताना है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी, यानी कि इसमें चांदमल सुराणा ने है वो सर्वहितकारिणी की सभा की स्थापना नहीं की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो। 2800 प्रश्न है, 28 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टोक मैदान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, तो राजस्थान से कौन थे वो प्रतिनिधि वो बताना है अपन को अगस्त 1942 के अंदर, तो देखो इसका जो सही उत्तर है वो पंडित अभिन्न हरि, क्या हो जाएगा इसके अंदर, पंडित अभिन्न हरि। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला उद्भव किससे माना जाता है, तो अपभ्रंश शैली से माना जाता है, सबको पता है अपभ्रंश शैली से माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की चित्रकला, देखो बता ही देता हूँ आपको, राजस्थान की चित्रकला शैली व उसके पोषक शासक का कौन सा युगम असंगत है,
मतलब ये बताना है कि कौन सी शैली किस राजा के साम मतलब प्रसिद्ध थी, ये बताना है। नेक्स्ट है देखो, कोटा शैली है वो गुमान सिंह के समय, ठीक है, बिल्कुल सही है। अलवर शैली है वो महाराजा विनय सिंह के समय थी। मेवाड़ शैली है वो रावत तेज सिंह के समय थी। लेकिन कोटा शैली है वो महाराजा जगत सिंह के समय नहीं थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3। दोस्तों 30% देख के अपने नंबर है वो कमेंट कीजिए कि कितने किसके नंबर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सेकंड ग्रेड का एक वो फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर सारे के सारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप उनको देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।